बेबी आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, जानू सोना बेबी, ये सब कहने वाला दिन आ गया है, मतलब प्यार का मौसम आ गया है। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नीरज द घुमक्कड़ लौंडा और आज मैं कनाट प्लेस में आया हूँ और प्यार भरी बातें बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों से करूँगा और जिनकी बातें मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी उनको हमारे गिफ्टिंग पार्टनर हैप्पी फ्लावर की तरफ से गिफ्ट्स भी दूंगा। देखते रहिए द घुमक्कड़ लौंडा शो ऑनली ऑन टीवी 30 इंडिया। मैं हूँ आरजे नीरज द घुमक्कड़ लौंडा। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नीरज द घुमक्कड़ लौंडा और आज मैं आया हूँ सीपी में, जहाँ पर मैं वैलेंटाइन से रिलेटेड बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों से प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर उनके आंसर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और करेक्ट हुए तो उनको हमारे गिफ्टिंग पार्टनर हैप्पी फ्लावर की ओर से प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भी दूंगा। देखते रहिए द घुमक्कड़ लौंडा शो ऑनली ऑन टीवी 30 इंडिया। मैं हूँ आरजे नीरज द घुमक्कड़ लौंडा। तो भाई एक बात बताओ, सबसे पहले नाम क्या है? अनस खान। आपका? मैं रिजवान सैफी। अच्छा देखो, वैलेंटाइन डे के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है लड़कों वाला, जो लड़कियों को पता होता है लेकिन लड़कों को जनरली नहीं पता होता है, उसका नाम है स्लैब डे। तो ये बताओ, आपको किसी ने स्लैब किया कि नहीं किया? हाँ किया है एक ने। अच्छा क्या नाम है उसका? नाम कंजरी कहता हूँ वैसे तो मैं उसे। ओहो हाँ। चलो सही है, नाम दे नहीं सकता। अच्छा आप बताओ स्लैब डे का कुछ? नहीं भैया हमें ना करा किसी ने। अच्छा कभी किसी को प्रपोज किया है? नहीं भैया प्रपोज नहीं किया। अच्छा ये बताओ, सिंगल ही रहेंगे? ये बताओ, शकल देख के लग रहा है कि कभी वैलेंटाइन तुम्हारा सही गया नहीं है, ये बताओ कि कभी कुछ अप्रोच कुछ भी किया है कभी किसी लड़की को, ऐसे प्रेज किया समथिंग कुछ? नहीं भैया किसी को नहीं करा। कल्ले कैसे घूम लेते हो यार भैया आप? कल्ले घूम ले भैया, क्या यार दोस्त बतेरे आएंगे। चलो एंड यार ही भैया यहाँ तो। ओके okay. दोनों को मिलता है हमारे गिफ्टिंग पार्टनर हैप्पी फ्लावर की ओर से ये प्यारा सा बर्क चॉकलेट, आप इसको लीजिए, एंजॉय करिए और ऑनलाइन से शॉपिंग कीजिए हैप्पी फ्लावर से। देश विदेश में कहीं पर भी रहिए, अपने लव्ड वंस को प्यारा सा गिफ्ट कीजिए। भैया क्या नाम है आपका? अंकुर। अच्छा अंकुर सर, आप एक बात बताओ, अगर आप डेट पे किसी लड़की के साथ जाते हो और आपको फैमिली वाले ने पकड़ लिया तो आप कैसे रिस्पॉन्ड कैसे करोगे? मैं बोल दूंगा कि शी जस्ट अ फ्रेंड ऑफ माइन। और फैमिली वाले मान जाएंगे? हाँ मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे, काफी सपोर्टिव है। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक वैलेंटाइन डे के बाद एक दिन आता है उसका नाम है स्लैब डे, तो आपको किसी ने स्लैब किया आज तक? एक्चुअली आई डिडंट सेलिब्रेट वैलेंटाइन्स डे एक्चुअली। हाँ लेकिन पता है वैलेंटाइन बहुत लोग नहीं सेलिब्रेट करते, लेकिन लड़कियाँ ना एक्चुअली स्लैब डे मनाने आ जाती हैं। लेकिन मैं आता ही नहीं हूँ ना स्लैब डे को, तो मतलब एब्सेंट हो जाते हो। ओके यस ओके। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट शुड बी द बेस्ट प्रपोजल लाइन फॉर द वैलेंटाइन आपके हिसाब से? आप अगर किसी को प्रपोज करें, आप तो हैंडसम भी हो माशाल्लाह, तो अगर आप करोगे तो कैसे करोगे, कितनी शिद्दत से करोगे आप? I like you from depth of my heart. Oh. I just want to marry you. आपको लगता है कि वो मान जाएगी? Yes. अच्छा मैरी कर लोगे सीधे सीधे? Yes, yes, yes. वाओ सही है। सीधा फंडा है। Salute भैया आपको। Hey girl, what's your name? पूजा। Today we are gonna play a game with you. तुम जैसे के तो पासपोर्ट भी नहीं होते। मतलब औकात दिखा दी आपने। चलो कोई ना। अच्छा आपके हिसाब से लड़के ज्यादा पैसे खर्च करते हैं या लड़कियाँ? लड़कियाँ। अच्छा और मनी शेवर कौन होता है फिर? लड़कियाँ। अच्छा मतलब पैसे खर्च भी करते हो बचाते भी? तो लड़कों के ऊपर ही तो खर्च करते हैं ना। ओह माय गॉड, मैंने तो सुना था कि लड़के ज्यादा खर्च करते हैं। नहीं नहीं ऐसी नहीं बात। अच्छा ऐसी कौन सी चीज है जो वैलेंटाइन में सबसे ज्यादा गिफ्ट दी जाती है? रोज और रेड रोज और कुछ और चॉकलेट्स और टेडी बियर्स और फोटो फ्रेम्स। एक और चीज़ है जो एपिसोड देखने वाले जानते हैं, खैर कोई ना। सो पूजा मैम, आपको हमारे गिफ्टिंग पार्टनर हैप्पी फ्लावर की ओर से मिलता है प्यारा सा डैडी। ओके थैंक यू सो मच। ओके बाय। थैंक यू। अंकिता तुम्हारे हिसाब से दोस्ती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लव? दोस्ती। मतलब ऐसा क्यों, मतलब कुछ रीजन बताओ। लव तो आज है तुम्हारे साथ कल नहीं है, पर दोस्ती तुम्हारे साथ हमेशा है, लाइफ टाइम की फ्रेंडशिप होती है तुम्हारी। वो बंदा जो प्यार करता है वो आज है कल होके फैमिली की वजह से वो तुम्हें छोड़ देता है, पर दोस्त तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ते, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। यार अंकिता तुमसे एक दिल की बात कहूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ ना, लेकिन आज तक ना कभी किसी लड़की के साथ कोई सीन नहीं रहा मेरा, तो मतलब अब थोड़ा थोड़ा ना मेरे को दिक्कत होती है यार कि काश, मतलब एक फैंटेसी होती है कि काश मेरे साथ भी कोई लड़की डेट पे जाए, ऐसा समथिंग कुछ, हम भी वैलेंटाइन मनाएं। वही यार, सिंगल बंदा बहुत खुश होता है, सिंगल रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, मस्ती करो। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि रहो झकास जियो बिंदास। रॉकिंग जियो, रहो झकास जियो बिंदास। थैंक यू। बात बताओ, मेरे जैसे बहुत सारे सिंगल लड़के होते हैं, लड़कियों को देखते हैं ना तो सोचते हैं कि कैसे अप्रोच करें, मतलब हम सोच ही लेते हैं कि हमारे औकात से बाहर है तो हम अप्रोच ही नहीं करते उस चक्कर में, तो तुम इस वैलेंटाइन क्या एडवाइस देना चाहती हो लड़कों को? यार देखो, तुम पे अगर क्रश होगा या तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट होगी ना, खुद ही आएगी, बस झंझट में पड़ना ही नहीं है, अपने आप ही बस हाँ लगे रहो, अपने आप ही आ जाती है, और कुछ नहीं।
सो अब तक का तुम्हारा वैलेंटाइन का सबसे अच्छा सा गिफ्ट कौन सा है? देखो जी, वैलेंटाइन ज़रूरी नहीं है कि वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए होता है। मेरी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड है, वो भी करती है। मेरी मॉम ने मुझे ला के दिया था, एक बैंगल था, वो इतना सुंदर है, आज तक वो काला नहीं पड़ा, इतना मस्त बैंगल है, वो मैं ऑलवेज कैरी करती हूँ अपने साथ, तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट था। सो भाई, आपको हमारे गिफ्टिंग पार्टनर की तरफ से ही मिलता है छोटा सा चॉकलेट। अबे जा, छोटी सी देख, मेरी देख। एक मैरिड कपल भी साथ हैं, आइए पूछ ही लेते हैं। सो सर, शादी को कितने साल हुए? 11 साल। 11 साल? हाँ। तो मैम एक बात बताइए, 11 साल में मैंने सुना है बहुत पत्नी ऐसे कहती हैं, यार मेरे पति तो मुझको प्यार नहीं करते, तो मैम आपके साथ क्या है? मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं जैसे पहले थी वैसे आज भी हूँ। अच्छा। आज भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा मैम, सर एक बात बताइए, अभी हाल फिलहाल में रोज डे भी था, तो जैसे बहुत पति लोग कहते हैं अरे अपनी पत्नी तो है, क्या देना रोज, तो आपने दिया कुछ गुलाब का फूल? नहीं, मैंने कुछ दिया नहीं, मतलब टाइम बहुत हो चुका था ना। अच्छा अच्छा, बट ये है कि रोज देना इज नॉट अ थिंग, ये है कि आपको इंटरनली आपको लव होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है पत्नियां मतलब गुस्सा हो जाती है और हम उसका रीजन नहीं जान पाते, फिर हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम उनको पटाएं तो पटाएं कैसे, उनको मनाएं तो मनाएं कैसे। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ तो आपने फिर क्या किया? नहीं, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है। अच्छा। और उन केसेस में फिर मैं यही करता हूँ, अब कहीं चलो मूवी दिखाते हैं। अच्छा। या फिर डाइन करवा दो, या फिर सबसे बढ़िया से कपड़े दिलवा दो, बढ़िया से बढ़िया। अच्छा, शॉपिंग करवा दो, वो बेस्ट है। अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, इंस्टा पे हमारे पेज को लाइक करें। देखते रहिए द घुमक्कड़ लौंडा शो, ओनली ऑन TV30 इंडिया। नमस्कार। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए TV30 इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।